आदिवासी बाहुल्य शहडोल जिले में हैरान कर देने वाला मामला आया है। यहां पिछले 7 साल से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे शिक्षक के परिवार की शिकायत के बाद कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी को लापरवाही बरतने के लिए निलंबित कर दिया है, जहां निलंबन का शिकार हुए डीईओ ने कमिश्नर की कार्रवाई को ही गलत बता दिया। दरअसल पूरा मामला जनपद पंचायत ब्योहारी के शासकीय माध्यमिक विद्यालय देवराव का है। यहां संविदा शाला वर्ग 3 के शिक्षक रामराज द्विवेदी की 7 साल पहले हार्ट अटैक से मौत हुई थी, जिसके बाद से उनका बेटा अवनीश कुमार द्विवेदी अनुकंपा नियुक्ति के लिए अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है, जिससे आहत होकर अवनीश द्विवेदी ने मामले की शिकायत कमिश्नर से की, जहाँ कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी फूल सह मरपाची को लापरवाही बरतने के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसके बाद निलंबन का शिकार हुए डीओ ने कमिश्नर की इस कार्रवाई को गलत बताया है। कारण क्या था आपको? कारण यही कहते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति में आपने कार्रवाई नहीं किया। भाई वो तो 2017 से चल रहा है और मैं तो 22 में आया हूँ। मेरे पूर्व के डीओ भी नस्ती प्रस्तुत किए हैं आपके पहले। तो जो उस कमिश्नर साहब ने कार्रवाई की है आपको हटाने की, उसको कितना न्याय संगत मानते हैं? मैं इसमें तो मैं अपने दोषी मानता नहीं मानता। हाँ, मेरा पक्ष नहीं सुना गया भाई। सुनते नस्ती तो वही है ना, नस्ती तो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे सम्मेलन का नहीं है। हाँ, कमिश्नर साहब आपकी बात नहीं सुना? हाँ, नहीं सुने। और ये मैं मेरे जमाने में हिमांशु IAS मुकाबला उनके समक्ष भी प्रस्तुत किया, उनके द्वारा भी मार्गदर्शन मांगा गया और राजेश जैन सर के जमाने में भी प्रस्तुत किया। तो उन्होंने लिख दिया कि नोट शीट में कि मृत्यु उपरांत सम्मेलन किया जाना विधिमान नहीं है, अतः स्वर्गीय रामराज का सम्मेलन नहीं किया जा सकता। तो कमिश्नर साहब की जो कार्रवाई एक तरफी कार्रवाई है? हाँ सर, एक तरफ। उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं।